दोस्तों ओल्ड आरसी को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते आज भी, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि समीर भाई ओल्ड आरसी कब रिलॉन्च हो रही है, कब रिलॉन्च हो रही है, कब रिलॉन्च हो रही है। सो दोस्तों आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ ओल्ड आरसी को लेकर। सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड आरसी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो, और अगर आप चाहते हैं दोस्तों इस बाइक के बारे में जानना, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपको पता है दोस्तों KTM की जो जनरेशन 1 आरसी थी उस आरसी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, और अभी की डेट में जो नई वाली आरसी है वो बहुत सारे लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो क्या पुरानी वाली आरसी रिलॉन्च होगी? तो आपको मैं क्लियर कर दूं 110% ये बाइक इंडियन मार्केट में रिलॉन्च होने वाली है। देखिए दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो नई वाली आरसी है उसका मार्केट में जो रिस्पॉन्स है वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है जितना KTM को उम्मीद था। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता तो फिर कंपनी इसे रिलॉन्च नहीं करती। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जो नई वाली आरसी उसका जो रिस्पॉन्स है वो काफी कम है, जिस रीजन से KTM भी मजबूर हो चुकी है कि भाई अब इस वाली आरसी को इंडियन मार्केट में रिलॉन्च किया जाए। अब दोस्तों आपको पता है कि ये कब तक रिलॉन्च हो सकती है? तो फिलहाल कोई ऐसी एकदम ऑफिशियल डेट तो नहीं आ गई है कि भाई इसी डेट में ये बाइक को कंपनी रिलॉन्च कर रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं भाई अभी ये बात जरूर सामने है कि कंपनी इस बाइक को इंडियन मार्केट में 4 से 5 महीने के अंदर जो है इंडियन मार्केट में रिलॉन्च कर सकती है, जिसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। अब कौन कौन चाहता है ये बाइक लॉन्च हो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए दोस्तों ये बाइक अगर रिलॉन्च होगी तो इसमें आपको जो कुछ नए अपडेट है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, उसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों आपको बता दूं इस बाइक में आपको नया वाला जो स्पीडोमीटर है वो आपको देखने को मिलेगा। जी दोस्तों सबसे पहले बाइक में आपको नया वाला जो स्पीडोमीटर है वो आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे पहला जो अपडेट है दोस्तों बाइक में होने वाला है। दोस्तों दूसरा जो अपडेट होने वाला है वो होने वाला है इस बाइक की प्रोजेक्टर लाइट में। आपको पता है लास्ट टाइम तक इस बाइक में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट आपको देखने को मिलती थी, लेकिन दोस्तों इस बार अपडेट होगा तो बाइक में आपको जो LED प्रोजेक्टर लाइट है ये एक पहला अपडेट जो है आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों और जो अपडेट होंगे वो होंगे इस बाइक के सस्पेंशन में। पहले इस बाइक में आपको WP के नॉर्मल सस्पेंशन मिलते थे, बट दोस्तों अब इस बाइक में आपको WP के जो एपिक्स वाले सस्पेंशन है वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद जो अपडेट होने वाला है वो होने वाला है ब्रेकिंग में। ब्रेकिंग जो प्लेट है दोस्तों वो कंपनी चेंज करने वाली है। इस बाइक में आपको नॉर्मल ब्रेकिंग प्लेट मिलती है, बट अपडेट होने के बाद इस बाइक में आपको ब्रेकिंग प्लेट 320mm की मिलेगी, जो कि अभी 300mm की मिलती है, और कंपनी ब्रेकिंग जो प्लेट का साइज प्लस डिजाइन भी चेंज करने वाली है। इंजन में भी थोड़ा सा अपडेट होगा। इंजन में दोस्तों इस बाइक में आपको जो क्लच है वो आपको स्लीपर क्लच इस बाइक में देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी आपको इस बाइक में जो है स्लीपर क्लच देखने को नहीं मिलता, बट दोस्तों ये भी एक नया अपडेट होने वाला है। इस बाइक में आपको जो क्लच है वो भी आपको नया स्लीपर क्लच भी आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। तो ये भी एक जो नया अपडेट है दोस्तों इस बाइक में होने वाला है, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ सकता है, बाकी दोस्तों ये बाइक बहुत जल्द आपको इंडियन मार्केट में मिलेगी। कौन कौन चाहता है ये बाइक है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।